गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा डू फोर सेवन पर दोस्त जैसा आपको पता है कि रोज सुबह ग्यारह बजे मैं आप सभी के साथ मुखाते हो जाता हूं तो उसी क्रम में आज फिर मैं ग्यारह बजते आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अडा टू फोर सेवन पर दोस्त सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद जैसा आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे की जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है और दर्द सबके एक से हैं लेकिन हौसले हर किसी के अलग अलग हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो हताश होके कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं बिखर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करके निखर जाते हैं जब भी हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में बात करते हो चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो एक्टर हो कोई भी हो आपने देखा होगा कई बार आप लोग नाम लेते हो सचिन तेंदुलकर का मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा कि सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर पहले मैच में नहीं बन गए पहले मैच में दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर नहीं बने थे वो पहले मैच में एक दूसरे मैच में नहीं बने वो रेगुलर मैच खेलते रहे उनको 400 मैच लग गए दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर बनने में तो मेरे दोस्त हौसला रखना पड़ेगा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा तभी निखर पाओगे सोचते हो कि पहली बार जाऊंगा और सीधे निखर के आ जाऊंगा पहले मैच से दुनिया मेरा नाम जानेगी दुनिया मुझको याद रखेगी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है लेकिन जब लगातार लगे रहोगे लगातार चलते रहोगे तब डेफिनेटली दुनिया आपको मानेगी दुनिया आपको जानेगी और दुनिया आपको सलाम भी ठोकेगी मेरे दोस्त जैसा आज के टाइम में सचिन तेंदुलकर का नाम जब लेते हैं तो हर कोई सम्मान देता है ओके okay? बिल्कुल भाई सभी को जय हिंद सभी को नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग और आज का टेस्ट आप सभी का शुरू होने वाला है आप सबको पता होगा जो मैंने आपको बोला था एनालॉगी के ऊपर टेस्ट होगा ऑलरेडी सौ क्वेश्चन कर रखे हैं आज सौ से ऊपर भी एनालॉगी के क्वेश्चन हो जाएंगे और जबरदस्त होने वाला है चार मिनट में तिहत्तर आज दो लाइव कर दो बिल्कुल 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 दो लाइव कर दो भाई आ... तो दोस्त ये आपका एक छोटा सी चीज बता दू एक सेकंड लगेगा कि आपका एक मेगा ऑफर चल रहा है आज महापैक के ऊपर अगर आज कोई महापैक खरीदता है आज कोई महापैक खरीदेगा तो प्राइस तो भाई है आपको वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर का कोड लगा के मात्र दो हजार रुपए में मिल जाएगा छ महीने के लिए लेकिन उसके साथ आपको बुक भी फ्री दी जाएगी बुक्स फ्री दी जाएंगी एफकेट की हार्ड कॉपी बुक आपके एड्रेस पे आपके घर पर आएंगी तो ये अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है आज आज के लिए ऑफर है तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं बाकी अपन चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ जो आज सुबह ग्यारह बजे स्टार्ट होना है देखो टेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज है ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी मैं ऐसा नहीं कि मैं सबको जज कर पा रहा एनालाइज करना है आपको अपनी प्रिपरेशन को इसलिए टेस्ट में लेकर आयू तो ईमानदारी दिखाते चलना अगर कोई क्वेश्चन आपका सही होता है अगर कोई क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको प्लस थ्री एक कॉपी और एक पेन ले लेना उस पर लिखते रहना एक क्वेश्चन पे नंबर पड़े हुए हैं जो क्वेश्चन सही होगा उसके प्लस थ्री कर लेना जो क्वेश्चन गलत होगा उसके माइनस थ्री कर लेना बराबर चलेगी पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग गलत होने पे माइनस थ्री सही होने पर प्लस थ्री और स्किप करने पर जीरो ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपने नंबर बताओगे बेईमानी कोई नहीं करेगा बेईमानी करोगे तो दोस्त मेरे से नहीं करोगे खुद से करोगे क्योंकि प्रिपरेशन आप कर रहे हो तैयारी आप कर रहे हो ओके तो बता दो भाई हाउस द जोश स्टार्ट किया जाए सेशन जल्दी से एक बार मेरे को बोल दो सारे के सारे लोग शुरू करते हैं सेशन को हाउस द जोश जल्दी से बताओ भाई हाउस द जोश एवरी वन स्टार्ट नाइनटी फोर हो गए हंड्रेड कर लो जल्दी से पहले ही क्वेश्चन पे स्टार्ट किया जाए चलिएगा भाई पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है चलेगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्त माइनस वन नहीं होगा माइनस थ्री होगा प्लस भी बराबर माइनस भी बराबर अपने यहाँ दोनों बराबर चलेंगे एग्जाम नहीं है मैं आपकी एक्यूरेसी को लाना चाहता हूं आ, मैं आपकी एक्यूरेसी पहले ही क्वेश्चन पे सौ हो चुके हैं बहुत जबरदस्त पहले क्वेश्चन पे सौ लोग कंप्लीट हो गए और आई होप कि ये लास्ट होते होते टू बिल्कुल हो जाएंगे माइनस वन नहीं होगा माइनस थ्री होगा मैम कैसे बताऊं मैं गुड मॉर्निंग जया जी जल्दी से पहला ही क्वेश्चन स्किप कर रहे का रहा है काफी लोगों का ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है ज्योति जी ए प्रणता जी बी बोल रही है स्किप भी कर रहे हैं काफी लोग ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी और स्किप ऑप्शन ए ऑप्शन बी और स्किप हा ऐसा जबरदस्त मेरे दोस्त ऑप्शन ए बी सी जया जी का सी आ रहा है Uh, जया जी का सीआर है मनीषा जी स्किप कर रही है आज रीजनिंग तो नहीं देना है ना मतलब आज रीजन तो नहीं देना है नहीं नहीं आप आज रीजन नहीं देना कोई रीजन नहीं बताएगा वरना चीटिंग हो जाएगी क्लास के अंदर कोई रीजन नहीं आंसर बताओ बस देखो यार मोशन आ, कूल की बात करूं कुल आपका क्या कंडीशन होती है फ्रीज की कंडीशन को बोलते हैं फ्रीज वाली कंडीशन को बोलते हैं वैसे मोशन का मतलब होता है भिगोना और शोक का मतलब भी होता है आपका भिगोना सो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर सेकेंड वाला क्या आएगा बिल्कुल करेक्ट बनेगा टू मोशन इज टू वेट लेस इंटेंसिटी इंटेंसली देन टू सोक सेम आपका क्या होता है कूल टेम्परेचर से रिगार्डिंग होता है फ्रीज के लिए बोलते हैं क्लियर है सबको क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ भाई सोक बिल्कुल करेक्ट है बाकी जो लोग गलत किए माइनस थ्री कर लेना क्वेश्चन uh, होंगे आज ट्वेंटी फाइव पच्चीस क्वेश्चन होंगे आज ठीक है सेकेंड पे चलते हैं भाई सेकेंड का आंसर करिएगा सेकेंड का आंसर सेकेंड करो भाई सेकेंड का डी बन रहा है पंखुड़ी जी का डी आ रहा है और डी आर है श्रवानिया जी का डी 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 ऑप्शन नंबर डी काफी लोग डी बता रहे हैं काफी लोग डी बता रहे हैं जबरदस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद स्किप भी आ रहा है साक्षी जी का डी स्किप डी स्किप डी स्केप डी और स्किप दो ही आंसर देखने को मिले मेरे को अभी तक ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर स्किप डी भी आ रहा है स्किप भी आ रहा है दोस्त यार एक बार ना थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना जल्दी से यार जल्दी से एक सौ इक्यावन बोला था आज दो सौ भी पहुंच सकते हैं आपको दिख रहा है पहले ही क्वेश्चन पे एक सौ दस हो चुके हैं तो जल्दी से यार थोड़ा सा शेयर कर देना ला पच्चीस में तक हो सकता है अपन टू फिफ्टी भी पहुंच जाए तो थोड़ा थोड़ा शेयर करके चलना आप परमिशन देखो यार आपका जो कॉटन टेल होता है ना ये बोलते हैं एक रैविड को रेविड का ही नेम होता है रेविड का एक नेम होता है कॉन्टिनेंटल रिपीटर रेबिट बोला जाता है उसको ठीक है तो यह रेविटी होता है सेम आपका। सेम आपका अगर आपकी परमिशन की, आप की बात करें की बात करें सॉरी तो आपका क्या होगा बैरी होगा एक टाइप का बेयर टाइप का होता है जैसे आ, मीठी बैरी नहीं होती खाने वाली बेयर टाइप के होते हैं वैसा ही एक वेयर टाइप का होता है जो फॉरिन कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा डी बिल्कुल करेक्ट है परसिमन इज अ टाइप ऑफ बैरी नेक्स्ट करिएगा हाँ एक फ्रूट होता है छोटा सा जैसे आपके यहां बेर वगैरह चलते होंगे रसबरी चलती है बेर चलते हैं उसी टाइप का एक फ्रूट होता है हाँ स्किप के है ना प्लस ना माइनस स्किप पे, पे कुछ नहीं होना दोस्त सर किसी पे आ जाओ भाई थर्ड का डी आ रहा है पंकज जी का डी बन रहा है सी बन रहा है ऋषभ जी का सी बन रहा है अदिति जी का सचिन जी का डी बन रहा है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भाई दो आंसर करने की किसी को नहीं है पहले देखो दो ये चीज मान के चलना डुअल आंसर किसी को नहीं देने हैं। ऑप्शन नंबर सी स्किप स्किप सी जा रहा है सबका सी बन रहा है स्किप एपिक चलेगा भी देखते हैं आ, क्या बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है डी भी आ रहा है और आपका स्किप भी बन रहा है तो देखो यार दोस्त समझिएगा आराम से एसोप मतलब एसोप क्या होता है फेबल यानी कि फेबल आपका बोलते हैं कि कपोल कल्पना टाइप का नहीं होता था एक कल्पना में बह के कोई कहानी लिख रहे हैं है ना काल्पनिक कहानी टाइप का तो एसोप उसको बोलते हैं काल्पनिक कहानी टाइप के लिखने को एसोप इज नोन फॉर राइटिंग फेवल्स फेवल्स का मतलब होता है फेवल का मतलब होता है आपका काल्पनिक कहानी मतलब जो आपकी इमेजिनेशन पे आधारित होती है उनको लिखने पे होमर बोलते हैं इपिक को लिखने के लिए होमर इज नोन फॉर राइटिंग इपिक्स इपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य जो महाकाव्य को लिख रहे होते हैं उसको जाना जाता है किसके नाम से होमर के नाम से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल बहुत बढ़िया ऋषभ जी बहुत शानदार दोस्त ओके एपेक करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य को बोलते हैं जो महाकाव्य को लिखा जाता है उसको जाना जाता है होमर से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ क्लियर है आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पे फोर्थ करिएगा फोर्थ का उत्तर तो यही वाली तो आती है नीरज जी क्या करें दोस्त मैनोलॉजी वाला अगर आपको देश उनकी कंट्री उनकी कैपिटल उनकी करेंसी वाला करवाता तो वो आती हुई कम है एग्जाम से अंदर है ना तो इसलिए यही वाली करानी पड़ रही है कि एग्जाम में आपको फायदा मिले माइनस थ्री फॉर रॉन्ग आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हितांशी जी का और रविंद्र जी का भी ए आर है काफी लोग ए वाले हैं बहुत सारे से लोग ए वाले हैं जल्दी से भाई इसका बताइएगा क्या बन रहा है देखो क्या बन रहा है आ, ये आपका स्टार्स जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट होते हैं स्टार्स स्टार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एस्ट्रोनॉमी अगर आप बात करोगे तो कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं स्टार्स सेम आपके हिस्ट्री में क्या होता है हिस्ट्री में आपके बैटल्स के बारे में देखा जाता है बैटल्स जो होती है उसकी स्टडी मतलब स्टडी नहीं कह सकते आप उसको एक तरह से उसका जो पार्ट है वो बेटल्स से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ओके ए बिल्कुल ठीक आ रहा है ए वाले सारे के सारे ठीक है ए बिल्कुल करेक्ट बन रहा है ऑप्शन नंबर ए ठीक है कोई दिक्कत कोई किल्लत इसमें तो आई नहीं किसी को सबका आंसर यही बन रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिफ्थ पर कोई परेशानी आ रही हो तो बताते चलना मेरे को कोई समस्या आए जितना देर उसमें टाइप कर रहे हो ना इतनी देर को तो हुआ भी नहीं था मेरे लाल जितनी देर को टाइप कर रहे हो उतनी देर को तो हुआ भी नहीं था एक दो सेकेंड की सहन शक्ति भी रखो ठीक है एक दो सेकेंड की सहन शक्ति भी रखो इतनी जल्दी आंसर्स नहीं आते नेक्स्ट का करिएगा भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी यार 127 हो चुके हैं थोड़ा सा और शेयर वेयर कर लो अच्छा केएल राहुल की तरह देखते हैं ठीक है आप जल्दी से आंसर बताओ संडे जी फिफ्थ का बी आ रहा है पंकुड़ी जी का टिप्स आ रहा है जानवी जी का बी आ रहा है रविंद्र जी का बी आर है प्रणीता जी का बी आ रहा है ऋषभ जी, जी का बी वाले काफी दिख रहे हैं मेरे को सेकेंड बहुत सारे से लोग दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बी बनेगा सभी का चलिएगा भाई अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड अपोजिट है कि रिवर्स है हां अपोजिट है कि रिवर्स है अपोजिट और रिवर्स में अंतर है समझ पा रहे होंगे अपोजिट और रिवर्स में अंतर है Tide लिखा था टी आई डी ई सो टाइड में क्या किया है इसको रिवर्स लिख दिया है रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा टी एडिट बन गया सेम स्पीड लिखा हुआ है एस पी आई टी तो इसका जब रिवर्स करोगे क्या बनेगा टिप्स टी आई पी एस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कोई दिक्कत कोई किल्लत बताओ भाई जल्दी से क्लियर है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए साधना जी समझ में आ गया कैसे करना था बिल्कुल, बिल्कुल 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 रिवर्स है बिल्कुल करेक्ट है रिवर्स वाले सारे ठीक हैं क्लियर हो रहा है दोस्त तो आगे चलें सिक्स की तरफ तो यार उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक वाइक भी कर लो जितने लोग देख रहे हैं लाइव बराबर लाइक कंप्लीट कर लो दोस्त लाइव बराबर लाइक कर लो एक लोग देख रहे हैं एक लाइक कंप्लीट कर लो वीडियो के ऊपर जल्दी से जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग सेशन को लाइक कर लो और थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दो वन हो चुके हैं वन का आंकड़ा क्रॉस करना है 151 को क्रॉस करना है 151 प्लस जल्दी से यार थोड़ा सा शेयर भी कर दो सेशन को थोड़ा थोड़ा सा शेयर भी कर लो भाई सेशन को जल्दी जल्दी बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने अपने फोन्स पे चेक कर लो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो एक बार लाइक कर ले और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर भी कर लो यार दोस्त अमरावती जी करेक्ट का प्लस थ्री है और रॉन्ग का माइनस थ्री है दोनों इक्वल हैं बस प्लस और माइनस का अंतर है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है फैक्ट्स ऑप्शन नंबर सी आंसर बता रहे हैं फैक्ट्स आ रहा है आंसर अभी तक फैक्ट्स आंसर बताया जा रहा है अभी तक मेरे को ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे से लोगों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी आंसर किया जा रहा है फैक्ट्स आंसर बनेगा hmm. भाई देखते हैं क्या बनना चाहिए फैक्ट्री बनना चाहिए कि कुछ और बनेगा देखो यार एक दूसरे को देखकर आंसर मत करना आता है तो आंसर करना नहीं आता है तो छोड़ना देखना पहले कि मैं खुद कितना कर पाया मैं खुद कितना कर पाया इसको एनालाइज करना एक दूसरे को देखकर आंसर करके कुछ फायदा नहीं होगा ओके देखेगा भाई क्या बन रहा है यहां अगर अपन बात करें पोएट और इमेजिनेशन पोएट Poet, जो पोएट्री करता है वो इमेजिनेशन के बेसिस पर करता है इमेजिनेशन के बेसिस पर लिखता है सेम अगर अपन बात करें हिस्टोरियन की हिस्टोरियन जो लिखते हैं वो क्या करते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं वो फैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा सी उनके पास कोई ना कोई फैक्ट होना जरूरी है स्थेटिक्स नहीं होनी चाहिए कॉमर्स नहीं होनी चाहिए साइंस नहीं होनी चाहिए फैक्ट्स होने बहुत जरूरी है हिस्टोरियन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ भाई आगे बढ़े दोस्त मानव जी मैं आगे ही बढ़ने आया हूं दोस्त जितने कराने आयो तो उतने करा के जाऊंगा तो इसके लिए ज्यादा एकदम भाग के भी जाके कोई फायदा नहीं है है ना तो सबके हिसाब से चल, चल रहे हैं दोस्त जैसे पढ़ते हैं डेली उसी अकॉर्डिंग वन थर्टी फाइव वन थर्टी सेवन ऑप्शन नंबर नंबर ए वाह गजब थर्ड किसका आ रहा है सीला जी का सीला सुरेश जी थर्ड बता रही हैं सीला सुरेश थर्ड बता रही है अरे आपको नहीं बोला था मानव मेहता जी आपको नहीं बोल रहा था दोस्त एक नाम के और लोग भी हैं ऊपर एक कुछ और भी थे कुछ मास्टर करके पता नहीं क्या नाम था सो मैं देख नहीं पाया स्किप कर रहे हैं नीरज जी आपको नहीं बोला है एंड ए आ रहा है काफ़ी लोगों का ए आ रहा है एंड सी आ रहा है एक आंसर आया था सीला जी का सी बना था बहुत लोग ये कर रहे हैं मतलब आंख बंद करके ये चल रहा है साइंटिफिक प्रोडक्टिव निधि निधि जी बोल रही हैं प्रोडक्टिव होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा है ना मोहित जी बोल रहे हैं बी बनेगा तीजस जी बोल रहे हैं ए बनेगा साक्षी जी पोल नहीं मिलेगा पोल मिलेगा मैम तो वो स्पीड नहीं कायम रहती है चलेगा भाई देखते हैं भाई आ, देखते हैं दोस्त क्या बनेगा आराम से समझिएगा देखो गिफ्टेड का मतलब क्या होता है गिफ्टेड का मतलब इंटेलिजेंट से रिलेशन दे रखा है तो इसको भी देख लेना बस खाली गिफ्टेड को पढ़ के आंसर मत कर देना खाली गिफ्टेड को पढ़ के आंसर मत कर देना गिफ्टेड का रिलेशन इंटेलिजेंट से दे रखा है इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेधावी मतलब बुद्धिमान टाइप का इंटेलिजेंट का मतलब भी वही होता है और गिफ्टेड का मतलब भी वही होता है बुद्धिमान टाइप का बुद्धिमान मतलब मेधावी और फिर आता है आपका क्रिएटिव क्रिएटिव आपका किस में आ जाएगा प्रोडक्टिव में आ जाएगा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव सिमिलर मीनिंग होते हैं मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा सब गलत किए हो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम में कुछ लोग सही किए हैं बस ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जितने लोग ए वाले थे सब माइनस कर लेना आर्टिस्ट आर्टिस्ट सारे आर्टिस्टिक आर्टेस्ट, आर्टेस्ट, सारे के सारे बिल्कुल सीला सुरेश जी आपका बिल्कुल करेक्ट था बिल्कुल करेक्ट था क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोनों सिनोनियम के अंदर आ रहे हैं दोनों सिनोनियम है समानार्थी शब्द क्लियर है चलिए नेक्स्ट को पढ़िएगा आर्टिस्टिक कैसे हो जाएगा मैम सिनोनियम होता है आर्टिस्टिक क्या आर्टिस्ट आर्टिस्ट आपका जो आ, इसमें दे रखा है आर्टिस्टिक सिनोनियम है क्या क्रिएटिव का कैसे सिनोनियम है बिल्कुल जी आपका करेक्ट था आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा एंड वन थर्टी सिक्स लोग देख रहे हैं थोड़ा सा और शेयर कर लो वन फिफ्टी कंप्लीट हो जाएगी दोस्त वन थर्टी सिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बी वाले काफी हैं स्किप भी आ रहा है तेजस जी का स्किप हो रहा है बी वाले भी हैं और इसके बी हो रहा है एंटोनियम से अच्छा देखेगा भाई क्या बन रहा है सिंपली समझिएगा आपका इलिटरेसी दे रखा है इलिटरेसी को खत्म करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है ड्राउट मतलब बोले सूखा सूखे को खत्म करने के लिए रेन की आवश्यकता क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ ठीक है लिटरेसी इज वार्डेड ऑफ थ्रो एजुकेशन सिमिलरली ड्राउट इज वार्डेड ऑफ बाई रेन क्लियर हो रहा होगा सबको कोई दिक्कत कोई किल्लत नहीं होगी लाल पहले नाम तो सही रख के आओ में, में मास्टर समझ में भी तो नहीं आ रहा तुम लड़की हो लड़के हो या क्या हो है ना तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका नाम ले पाऊं मैं मैं मास्टर बोल दूंगा तो किसको पता चल गया ये लड़के हैं कि लड़की हैं थोड़ा सोच को सुधार लो मेरे लाल जिंदगी में कुछ कर जाओगे और उससे पहले नाम को सुधारो अपनी पहचान बना लो अपना नाम बना लो कब तक मेम्स बनाते रहोगे अपने ऊपर क्लास की टाइमिंग रोज़ सुबह दस बजे है दोस्त वो सॉरी ग्यारह बजे ग्यारह बजे रोज सुबह क्लास होती है गुड मॉर्निंग शिवानी जी 146 हो चुके हैं 149 हो चुके हैं 151 करने हैं करने दो लोगों की कमी है 149 पर हैं अपन स्केप आ रहे हैं स्केप स्किप भी कर रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को भी बता रहे हैं चलिए भी देखते हैं क्या बनेगा दोस्त क्या बनेगा देखते हैं इसको स्किप भी बन रहा है सी भी बन रहा है देखो यार इसका दे रखा है आपका इंटीमेट और उसका अनफेमिलियर दे रखा है तो यार अपोजिट मीनिंग हो गया ये आपका है ना बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो गया एंड सेम अगर आप अपोजिट के बेसिस पर चेक करोगे तो आपका इंटरेस्टेड जो होता है उसका अपोजिट होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा अब आपको लग रहा होगा कभी कभी बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जहां आपको ऐसा देख लग सकता है कि सर अपन इसको एंटोनियम की जगह पे यूज तो नहीं करते तो कभी कभी एग्जैक्ट पे नहीं जाते आप सिमिलर वर्ड के बेसिस पर जाते हो सिमिलर वर्ड के बेसिस पर जाते हो सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है आगे चलिएगा इंटीमेट का मीनिंग आपका वही होता है ना बताना कोई भी चीज के बारे में आपको बता देना समझा देना और चीजों को जताना और उसके बाद अगर अनफेमिलियर की बात करोगे तो वो होता है कि बिना कोई मतलब जानते ही नहीं किसी चीज के बारे में अनजान टाइप के सिडोनियम नहीं बोलना शुक्ला जी नेक्स्ट बताइएगा भाई यार 150 लाइक भी कंप्लीट कर लो जिन्होंने अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो जल्दी से दोस्त ए आर आई ऋषभ जी का ए और बी हम्म ए और बी दोनों आंसर्स बन रहे हैं सी रहा है प्रियंका जी का स्किप कर रहे नीरज जी आ सिंफोनी कंपोजर सिंफोनी क्या होता है सिंफोनी आपकी एक मतलब जो कंपोज किया जाता है ना किसी भी चीज को तो उसको कैसे कंपोज करते हैं उसको कंपोज करते हैं आपका सिंफोनी मतलब एक तरह से सिंफोनी इज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल कंपोजिशन सिंफोनी क्या है लॉन्ग कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल कंपोजिशन होती है उसको बोलते हैं symphony. तो फ्रेस्को तो क्या होगा, आपका होगा? का मतलब होता है आपका तो फ्रेस्को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है ए वाले सारे के सारे ठीक है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जल्दी से बताओ दोस्त क्लियर है स्किप वाले ठीक है लेकिन चेंज मत करो दोस्त चेंज करके फायदा क्या है ये बताओ क्लियर हो गया Symphony क्या होती है एक large, आपकी एक लार्ज आपकी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल कंपोजिशन को बोलते हैं सिमिलरली आपका पेंटर क्या होता है जो आपकी वॉल पे पेंट हुआ होता है पिक्चर पेंटेड ऑन अ वॉल या फिर आप सीलिंग वगैरह पे देखते हो पेंटिंग वगैरह उसको बोलते हैं आपका फ्रेस्को सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था इलेवन पर चलते हैं इलेवंथ की चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट करिएगा भाई इलेवंथ डिफिकल्ट वर्ड लगे नहीं आता हो तो उसको स्किप करो निगेटिव में नंबर ना इलेवंथ का सी आ रहा है पंखुड़ी जी का कल्पना जी का डी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी सी आर ऋषभ जी का सी रहा है हितांशी जी का सी काफी लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी सिमिलर वर्ड्स हैं चलिए भाई देखते हैं क्या बन रहा है क्या बन रहा है यही बन रहा है कि कुछ और बन रहा है या फिर कुछ और बनेगा हम सब पे चर्चा करते हैं सब पर नजर डाल लेते हैं है? तो बताना ही है तो इस पर तो चर्चा कर लेंगे अगर अपन बात करें तो इन दोनों का मतलब होता है कमी होना किसी चीज का अभाव होना आ, मतलब कमी हो जाना अकाल सा पड़ जाना वो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं होना उसको बोलते हैं डर्थ और स्कॉसिटी मतलब दोनों में आ रहे हैं तो सेम यूनिटी का मतलब क्या होता है एकता एकता तो आपका क्वेश्चन का मीनिंग भी क्या होता है आपका एकता होता है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा सी वाले सारे के सारे ठीक है क्वेश्चन एंड यूनिटी आर सिनोनियम्स और आपका डर्थ और आपका ये भी क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों सिनोनियम्स हो जाएंगे क्लियर है सबको बिल्कुल करेक्ट है नीति बिल्कुल करेक्ट है मे में मास्टर जी बताइए मीनिंग पता चल गया दोस्त क्वेश्चन का मीनिंग होता है आपका एकता एकजुटता ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा यूनिटी मतलब भी एकता दोनों का मीनिंग एकता ही होता है चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट करिएगा भाई लैक ऑफ समथिंग मतलब कमी पड़ना गुड मॉर्निंग पिंकी जी स्किप पांडे जी का स्किप हो रहा है सत्यम जी स्किप बता रहे ए बता रहे हैं ऋषभ जी ए है सचिन जी का आयशा जी का ए आर है प्रिंस जी का ए है नीरज जी स्किप कर रहे हैं सत्यम जी स्किप कर रहे हैं प्रिया जी का स्किप आ रहा है वरुण जी का स्किप आ रहा है वंदना जी का स्केप हो रहा है स्केप आ रहा है सब मैक्मम आंसर स्केप बन रहे इसमें ए भी बन रहा है कुछ लोगों का देखेगा भाई क्या बनेगा आ, क्या बनेगा क्या बना रहे हो दोनों चीजों में अंतर है यह भी आपका किसके बेसिस पर चल रहा है यह भी आपका समथिंग कह सकते हो आप सिनोनियम के बेसिस पर चल रहा है अगर हम बात करें टनकोट और ट्रेटर की तो इन दोनों का मतलब आपका होता है इन दोनों का आपका जो मीनिंग होता है वो लगभग लगभग होता है आपका बिस्बास घाती टाइप का मतलब धोखा देने वाला धोखेबाज टाइप का ठीक है सेम अगर आपका इसकी बात करूं मैं रॉक की तो यहाँ पे जो इसका सेम मीनिंग होगा वो स्कैम्प के साथ होगा क्योंकि स्कैम का मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है कुछ शैतान टाइप का ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शैतानी करने वाला ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्त हिंदी में ही बता रहा हूँ क्वेश्चन का और किस में बताया था लास्ट क्वेश्चन भी आपने मेरे से पूछा था क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बहुत जोर जोर से बार बार बताया कि उसका मीनिंग होता है एक था इस क्वेश्चन में भी आपको मैंने दोनों बार बताया कि इन दोनों का मतलब है आपका विश्वासघाती टाइप का और ये वाले जो होते हैं इसका मतलब होता है आपका शैतानी करने वाला अब आप मेरे को ये बताओ दोस्त ये हिंदी नहीं है तो क्या है ये हिंदी नहीं है तो क्या है और कौन सी उसमें बताऊँ मैं मेरे को बताओ भाई समझ में आ रहा है सबको क्लियर है कि नहीं है आवाज तो पहुंच रही ना मेरी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हिंदी वाली आवाज ही ना पहुंच रही हो इंग्लिश वाली पहुंच रही है रघुनंदन जी मैं फास्ट ही चल रहा हूं दोस्त लेकिन अगर कोई कुछ पूछेगा तो वो बताना भी मेरी जिम्मेदारी है तो बस मंडे का सरप्राइज है मेरे दोस्त मंडे का सरप्राइज 145 हो गए हैं 151 कर लो नई सीरीज आ जाएगी अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बता दूंगा तो फिर फायदा क्या रह जाएगा फिर आप निकालोगे क्या हाँ अगर दोस्त मैं क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बता दूंगा तो फिर आप फाइंड आउट क्या करोगे मेरे को ये तो बताओ फिर तो दोस्त आपका एग्जाम तो इंग्लिश में होना है थ्रू आउट तो फिर वहां क्या करोगे वहां जो एग्जामर ड्यूटी दे रहे होंगे उनसे अब तो बचपन में तो ये भी कह देते थे, थे इसकी हिंदी बता दो अब तो ये भी नहीं कह पाओगे इसकी हिंदी बता दो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सी वी आर है डी वी आर है वन फोर्टी नाइन हो चुके हैं वन फिफ्टी वन कर लो जल्दी से दो तीन लोगों को जोड़ना है जोड़ सकते हो स्किप भी आ रहा है देखो यार क्या बन रहा है आपका अगर अपन बात करें तो इसमें सिंपल सा मतलब है हैंकर जो है वो आपका यन यन का वर्ड होता है और हैंकर का मतलब जो होता है वो सेम होता है एंड पॉन्डर का मतलब आपका क्या होता है पॉंडर बोलते हैं आपका कुछ उस टाइप का यार जो होता है ना कि कुछ विचार करने वाला विचार विमर्श जिसपे करते हैं अपन उसको बोलते हैं पॉन्डर टाइप का सेम अगर आपका इधर मैं बात करूं यन की और इसकी तो यन का मीनिंग जो आपका होता है वो कुछ होता है उस टाइप का उदास टाइप का ना कोई व्यक्ति जो है वो उदास टाइप का है तो उसको बोलते हैं यर्न और हैंकर इन दोनों का मतलब सेम होता है सेम आपका पॉन्डर और थिंक का मतलब सेम होता है इन दोनों का मतलब आपका होता है विचार करना किसी भी चीज पे विचार विमर्श करना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ मेरे को ऑप्शन नंबर सी क्लियर है आ, कल आपका सी का मैराथन रहेगा जो क्लास कल मैं लेने वाला हूँ उसकी टाइमिंग ग्यारह बजे है कल सी की मैराथन है वन फिफ्टी लोग देख रहे हैं वन फिफ्टी वन करना है एक और बढ़ाना है एक सौ पचास हो चुके हैं जल्दी से भाई ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए सी भी आ रहा है ए भी आ रहा है सी वाले काफी हैं अब इसमें भावनाओं में बह के आंसर मत करना बैडमिंटन का सटल कॉक भावनाओं में बहकर आंसर मत करना लॉजिक के बेसिस पर आंसर करना एक सौ इक्यावन ऑप्शन नंबर सी स्किप देखेगा भाई क्या बन रहा है रूख बोलते हैं जो चेस के अंदर होता है चेस के अंदर आपका रूख होता है जो हाथी नहीं होता चेस का उसको बोलते हैं ठीक है उसको बोलते हैं सेम आपका बैडमिंटन के अंदर क्या होती है घास तो नहीं होती टेनिस तो नहीं होता स्विंग तो नहीं होता क्या होगा शटल कॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी सी बिल्कुल ठीक आंसर बन रहा है आपका रूख जो है वो पार्ट है किसका चेस का एक पीस है वैसी आपका शटल कॉक किसका पार्ट हो जाएगा आपका इसका पार्ट हो जाएगा बैडमिंटन का क्लियर है सबको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन रहा है आगे चलें फिफ्टींथ पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे 155 तक जाके आ गए तो ठीक है तो फिर मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा सौ क्वेश्चन की यही वाला प्रॉमिस था मेरा आपसे कि अगर एक सौ इक्यावन होते हैं तो मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा तो hmm. डेफिनेटली so एंड आज का मिला के टोटल 125 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके और ऑलरेडी मैंने इस पर पहले भी क्लास ले रखी है दो तीन तो 50 साठ क्वेश्चन उन क्लास के हो गए थे तो लगभग लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के कंप्लीट हो रहा है एनालॉगी में यहाँ पे और इनको भी अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे तो आगे और कुछ भी चीजें आपको इन पर बेस्ड भी काफी क्वेश्चन रिपीट होते से दिखाई देने लगेंगे सर ने ऐसा बोला कि मैंने स्किप कर दिया मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे ना अपनी चीजों को लेके इसीलिए मैं करवाना चाह रहा था गलतियां ना हो कभी कभी दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं ना अंतरात्मा कुछ और जवाब दे रही होती है और दिमाग में वो चीज़ें होती नहीं है देखिएगा भाई क्या बन रहा है वायरस का स्मॉल पॉक्स ये सबसे इजी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आज की क्लास का रहा होगा जो शायद सारे के सारे लोग कर सकते हैं ईजिल वायरस से स्मॉल पॉक्स पॉक्स का जो होता है स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस के थ्रू होता है सेम आपका बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है वो कौन सा होता है वो आपका चिकन पॉक्स नहीं होता टाइफाइड होता है ऑप्शन नंबर बी कोई दिक्कत कोई किल्लत क्लियर दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो बाकी मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्त लेकिन एक बार जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग वीडियो को लाइक कर लें लाइक बराबर लाइक अभी नहीं चल रहे एक सौ लोग जाकर आ गए लेकिन एक लाइक अभी तक नहीं हुए हैं 155 लोग जाकर आ गए तो 155 लाइक भी कंप्लीट कर लो मेरे दोस्त तो काफ़ी सारे से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने फोन के स्क्रीन पर देख लो एक बार लैपटॉप पर देख लो कि किसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग लो लाइक कर सकते हैं और मंडे है, है से, से लाइव हो रहा है सोमवार से ये बैच लाइव हो रहा है तो जो लोग एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास एक और मौका है बिल्कुल डीपली नॉलेज लेने का सारे डाउट्स को डिस्कस करने का ये बैच आ रहा है आपका जिसके प्राइस रखे गए मेरे दोस्त मात्र और मात्र छह रुपए और जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाते हो वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर जो शायद आप लोगों को याद होगा आप लोगों को पता होगा और आप लोग जानते होंगे गए टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर जैसे ही आप इस कोड का यूज करोगे कूपन कोड को लगाओगे तो मात्र चौदह सो चौरानवे रुपए में आपको कंप्लीट एफकेट का बैच मिल जाएगा जिसके अंदर आपको वन सिक्सटी प्लस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलने वाले हैं सारी चीजें मिलने वाली हैं तो ये बैच आ रहा है मेरे दोस्त इसको परचेज कर सकते हैं आप लोग चौदह में मिल रहा है पांच हजार रुपए की बड़ी छूट मिल रही है अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं बाकी आपका डिफेंस का महापैक भी अवेलेबल है और महापैक पर आज एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अगर आप ये महापैक खरीदोगे तो आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेंगी सारे डिफेंस एग्जाम की ई बुक्स मिलेंगी सारे डिफेंस एग्जाम्स की लाइव क्लास मिलेंगी सारे डिफेंस एग्जाम्स की वीडियो कोर्स मिलेंगे सारे डिफेंस एग्जाम्स के लेकिन साथ में आपको हार्ड कॉपी बुक भी मिल रही है अगर आज आप खरीदते हो तो आज आप खरीदते हो तो दो हजार रुपए के आसपास की आपको एक हार्ड कॉपी बुक मिल रही है एफकेट की कंप्लीट जो आपके एड्रेस पर आपके घर पर भेजी जाएगी जिसके अंदर रीजनिंग भी है जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस भी है जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी है जिसके अंदर इंग्लिश भी है सब कुछ है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है प्रैक्टिस सेट भी है ये आपको मिल रही है और उसके जो प्राइस रखे हैं आठ हजार छह सौ निन्यानवे रुपए इस महापैक के प्राइस है और जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाते हो वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर इस कूपन कोड का उपयोग करते हो तो मात्र आपको दो हजार रुपए में कंप्लीट महापैक मिल जाएगा मात्र दो हजार रुपए में कंप्लीट महापैक मिल जाएगा और साथ में आज खरीदोगे तो बुक भी फ्री मिल जाएगी आज खरीदने पर बुक भी मिल रही है मेरे दोस्त तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एफकेट की प्रिपरेशन का तो बेहतर टाइम है सीडीएस की भी वैकेंसी आने वाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन इसमें मिल जाएगी तो बहुत कुछ है इस बैच के अंदर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करिएगा भाई कोई बात नहीं ऋषभ जी जितना बेहतर कर सकते हैं बेहतर होता है ना चीज़ों को जिसने ले लिया पहले अब उसको बुक नहीं मिलेगी देखिए ये ऑफर्स तो आप लोग जानते होंगे ना कभी कभी होता है ना कि वही आ, हम कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी खरीदने जाते हो कभी कोई शर्ट या टी शर्ट तो हो सकता है वो आपको नौ सौ नौ सौ रुपये की मिले और नेक्स्ट डे को जाओ तो फिफ्टी परसेंट ऑफ में रखी हुई फोर फिफ्टी की मिल जाए तो आप कल वाला बिल दिखा के आज वाली चीज़ में ऐसा नहीं कि एक और शर्ट ले जाते हैं ऐसा नहीं होता कभी कभी प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो जब बढ़ जाते हैं तो फिर पुराने वाले ये तो नहीं कहते सर जिन्होंने पहले ले रखा है अब उनसे और पैसे लिए जाएंगे क्या ऐसा भी नहीं होता ना ऑप्शन नंबर ए ए तो नहीं होगा तो विशाल कुमार जी क्या होगा दोस्त बताओ तो ए तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा मेरे लाल देखो यार क्या बन रहा है अलोन का रिलेशन लोन से दे रखा है तो क्या ए को गायब कर दिया अलोन से लोन बन गया सिमिलरली आपका अवैध का रिलेशन किससे बन जाएगा ए को रिमूव कर दो बैड से बन जाएगा यार क्या इससे ज्यादा इजी क्या मिलेगा समझ रहे हो ना समझ रहे हो जल्दी से बताओ भाई एफकेट का पेपर कब तक होगा पेपर आपका लास्ट अगस्त में जाएगा। हो जाएगा काहे परेशान हो हाँ दोस्त बिल्कुल शुभम जी मैंने आपका वो करवा दिया है दोस्त आगे की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा अभी क्लास कंप्लीट करते हैं देन फिर डिस्कस कर लेंगे उसको ठीक है आगे चलते हैं इसका करिएगा सेवनटीन का आंसर सेवेंटीन से आंसर एवेंजर्स एंड गेम जी बता दिया दोस्त कब होगा कैसे बताऊं कभी कभी ना तुम लोग ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में सुनते ही नहीं हो कि सामने वाला जवाब भी दे रहा है ऐसी मतलब एकदम क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस लिखते हो फिर लगता है कि अब उसको कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा चार छह बार बनना इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी बिल्कुल आज एनालॉगी है दोस्त क्योंकि पूरे वीक हमने एनालॉगी ही पढ़ी है पूरे वीक हम लोगों ने एनालॉगी ही पढ़ी है तो आज एनालॉगी ही है आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं कल एक बार मैं एक पोल कर लेता हूं मेरे को इस मैं एक पोल करवा रहा हूं इसका आंसर मेरे को दे देना जल्दी से इसका आंसर सही से करना अभी मत बोलना सर गलत आंसर लग गया था पोल में पोल मैंने एक दे दिया पोल का आंसर करो तब तक मैं क्वेश्चन समझा देता हूं एक्स चॉप एक्स जो होती है वो चॉपिंग के लिए यूज होती है कट करने के लिए यूज होती है निडल किस लिए यूज होती है निडल आपकी जो होती है वो नेट मतलब अगर मैं बात करूं तो सिलाई के लिए यूज की जाती है सिलाई के लिए यूज़ की जाती है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कोई दिक्कत कोई किल्लत होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत कोई किल्लत होनी नहीं चाहिए ठीक है ग्रुप आप साहिल सर रीजनिंग के नाम से देख सकते हैं सब कुछ ले आऊंगा एक एक करके ला पाऊंगा देखिए मैं एक साथ नहीं ला सकता सारी चीज़ों को एक साथ नहीं ला सकता सारी चीज़ों को एक एक करके डेफिनेटली लेकर आऊंगा फिट सिचुएशन तो समझा नहीं मैं फिट सिचुएशन का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो नो no वाले भी दिख रहे हैं भाई मेरे को तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ वाले ही हूँ ना वाले भी हैं 132 लोग देख रहे हैं 132 बोर्ड कंप्लीट करो जल्दी से आ, कोई बात नहीं सात्विक जी मैं डॉट सिचुएशन का सेशन ले आऊंगा डॉट सिचुएशन तो एक क्लास में भी समझ में आ जाएगा फुल सेक्शन प्रीव्यू लेकर आऊंगा मैंने बोला तो था अगस्त के अंदर अगस्त के अंदर लेकर आऊंगा पूरी क्लास अगस्त के अंदर पूरी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सारे टॉपिक होंगे सारे टॉपिक एक ही क्लास के अंदर कवर होंगे पांच छः घंटे की जो क्लास बनेगी ठीक है नाइन्टी फोर परसेंट फाइव परसेंट कुछ ऐसा गया है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी स्किप बन रहा है देखो स्किप भी कर रहे हैं यार कुछ लोग तो नवीन जी ने स्किप किया है धीरज जी ने स्किप किया है कुछ क्लासेस तो आप लोग अगर एक बार प्लेलिस्ट की तरफ भी निगाह मारोगे तो सब मिल जाएगा सब पढ़ा चुका हूं पूछ सकते हो जो लोग रेगुलर होंगे जो लोग रेगुलर है वो बता देना मैंने कोई टॉपिक छुड़वाया अभी तक सब करा देना अब जो एक्स्ट्रा वाले बच्चे हैं वो मैं करा दूंगा आने वाले टाइम में टेंशन मत मतलब मेरे को कई लोग बोल रहे हैं पेपर कटिंग कर कराने को कुछ लोग बोल रहे हैं डाइस करा दो सर कुछ बोल रहे हैं कैलेंडर करा दो कोई कह रहा है स्लॉगेस करा दो तो थोड़ा थोड़ा सा सब्र करो मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को लाता रहूंगा पहले मैं मेन पे फोकस डाल रहा हूँ जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा श्योर सर्टन आएगा ही आएगा और गलती होती है उसमें तो उनको पकड़ रहा हूं मैं पहले क्योंकि मेरे को चाहिए इस बार पूरे थर्टी टू आउट ऑफ थर्टी टू मेरे को बात ही नहीं करनी उससे के नीचे सिंपल सा फंड है तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आप लोग अपनी तरफ से करो दोस्त तभी ये चीज पॉसिबल है एरोसल अगर इसकी बात करें तो नीड से रिलेशन ये इसको बोलते हैं ना एरोसल का मतलब होता है स्ट्रॉग फीलिंग मतलब तो नीड तभी फुलफिल नीड तभी आपकी पूरी हो सकती है जब आपके पास कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉग फीलिंग आ रही होगी सेम एफर्ट करोगे तो एफर्ट करने से आपको क्या मिलती है सक्सेस अब बोलते ना एफर्ट करो यार तो एफर्ट करने से ही सक्सेस मिलेगी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है सी बिल्कुल ठीक आ रहा है क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ चलिए आज करता हूं ऐसा जी डेफिनेटली मैं आज कर दूंगा थोड़ा सा मैं कल शायद भूल गया डेफिनेटली आज मैं कर दूंगा ओके okay? क्लियर है कि नहीं है जल्दी से भाई आगे करिएगा 19 का आंसर और जिन्होंने यार अभी तक सेशन लाइक ना किया हो अब तो दो समझ में आ गया होगा आपको चीज़ों को तो एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हो एक ही बार करना है ज़्यादा बार करना नहीं है और जो नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि उनको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए और डेली बेसिस पर आप लोग जुड़ सकते हैं सुबह ग्यारह बजे रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस एड्डा टू फोर सेवन पर क्लियर uh, है तो नेक्स्ट पे आओ ना नेक्स्ट का आंसर बताओ मेरे लाल रिपल का मतलब बट्रैक्ट से दे रखा है और रेजेट होगा एंटोनियम्स से ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है ए बी है और बी बी है स्किप भी आ रहा है राजपूत जी स्किप कर रहे हैं ए hmm? भी है और बी भी है और स्किप भी चल रही है कहानी नाइनटीन का बी होगा सचिन जी बोल रहे हैं ए होगा कल एफ कैट की क्लास होगी कल एफ कैट की नहीं कल सी ए पी एफ की क्लास होगी लेकिन कर सकते हैं उसको आप लोग जो लोग लो जनरल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं सामान्य वाली वो जुड़ सकते हैं कल सुबह ग्यारह बजे ठीक है देखो रिपेल का मतलब क्या होता है रिपेल का मतलब होता है दूर जाना दूर होना अट्रैक्ट का मतलब होता है पास होना समझ पा रहे होंगे ना रिपेल का मतलब होता है दूर होना अट्रैक्ट का मतलब होता है पास होना मतलब क्या हो गया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं तो सेम इलास्टिक का मतलब अगर आप बात करोगे तो एक ऐसा हो गया जो पूरी तरह से क्या होता है मतलब खिंच जाए और रेजिट क्या होगा दूसरा हो जाएगा सबसे टाइप में हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है क्लियर है कि नहीं है कोई दिक्कत कोई किल्लत एंटोनियम में भी होगा बिल्कुल ठीक है क्लियर है ना सभी को समस्या तो नहीं आ रही कोई आगे बढ़ जाए बीस नंबर पे चलो फिर ट्वेंटी का आंसर करिएगा सीडीएस की क्लास शुक्ला जी चल रही है सीडीएस की क्लास ऑलरेडी चल रही है बट सीडीएस में रीजनिंग आती नहीं तो फिर यार मैं नहीं ले रहा हूं क्लास हाँ आप बताओ सीडीएस के नाम पे एफकेट ले लूँ क्या क्यों रात जागने के लिए कब से होने लगी मेरे लाल सो जाए करो थोड़ा टाइम निकाल के क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो बॉडी अपने आप आपसे रेस्ट मांगेगी और तब दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं है ना बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो बॉडी खुद आपसे रेस्ट मांगेगी और जब बॉडी रेस्ट मांगती है तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है फिर मजबूरी होती है फिर रेस्ट पे जाना पड़ता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी कार्तिक जी का बी आ रहा है नीरज जी का ए आ रहा है निम्मी जी का आ आ बी आ रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है शुभम द्विवेदी जी का ए आ रहा है निम्मी जी का बी आ रहा है पिंक क्या हुआ वरुण श्रवानिया जी का आ बी आ रहा है बी आ रहा है ए आ रहा है ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है शुभम जी का बी आ रहा है सात्विक जी का बी आ रहा है बी आ रहा है पिगी पिगी का कैसे कैसे नाम रखते हाँ ऑप्शन नंबर ए और बी आ, देखो भाई क्या बन रहा है अंपायर का गेम से क्या रिलेशन है अंपायर का गेम से रिलेशन ये है कि गेम के अंदर अंपायर होता है जो गेम पे निगरानी रखता है नजर रखता है ठीक है तो वैसे ही आपका डिबेट के अंदर मॉडरेटर होता है जो पूरे के पूरे डिबेट को निगरानी में रहता है डिबेट को पूरा वो करता है कि हर कोई सही से चीजों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो वो काम होता है मॉडरेटर का अंपायर इज अ पर्सन इन चेंज ऑफ अ गेम हु मेक्स डिसीजन ड्यूरिंग इट एंड मेक श्योर दैट द रूल्स आर ओवेट और मॉडरेट इज अ पर्सन हू मेक श्योर दैट द पार्टिसिपेंट आर रिप्रेजेंटेड फियरली इन डिबेट क्लियर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ए वाले गलत हैं बिल्कुल मानव जी करेक्ट आंसर है दोस्त <coughs> बताओ भाई क्लियर है आगे चल जाए नेक्स्ट करिएगा फिर आ, महेंद्र जी ये खोया पाया विभाग नहीं है ये जहां आप आ गए हो ना दोस्त ये खोया पाया विभाग नहीं है जहां आपको आके खोई हुई चीज़ें मिल जाएं तो अगर परिवार से कोई आपके खो चुका है तो आप उसके लिए थोड़ा सा दूसरी जगह पे जाके मैसेज करो और या फिर आप शेयर करवाइए उस चीज़ को ठीक है एंड दोस्त मैं कहना चाहूंगा दस सेकेंड के लिए मैं हो सकता है आपको अभी समस्या सी देखने को मिले तो दस सेकेंड का वेट करिएगा एवरी परेशान होने की जरूरत नहीं है दस सेकेंड का वेट करने को बोल रहा हूं सो उतना कर सकते हो मेरे को लगता है ओके नाउ एवरीथिंग ओके देखो भाई क्या बन रहा है आप बॉलर जो होता है वो हेड को बोला जाता है हेड कौन सी जैसे माइकल जैक्सन लगाता था गोल तो वाली उस टाइप की हेड को बॉलर बोलते हैं सेम आपका सचल जो होता है वो बैक को बोलते हैं चल जो होता है वो बैग को बोलते हैं एक झोला टाइप का आपका जो बैग होता है उसको बोला जाता है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा जल्दी से बताओ अब बॉलर इज अ टाइप ऑफ हेड एंड इज अ टाइप ऑफ बैग क्लियर है बताइए भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है डी नहीं होगा ए वाले सारे के सारे ठीक हैं आई होप समझ में आ गया होगा सभी को ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है ए वाले सारे के सारे ठीक हैं नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे को लग रहा है कुछ लोगों के जाने का टाइम आ रहा है दोस्त क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो वरना फिर कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे यहाँ आके तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए आर आए प्रदीप जी का सी आर आए कार्तिक जी का डी आर आई शुभम जी का ए आर आए सचिन जी का डी आर आई सचिन जी का डी आर आई ऋषभ जी का सी आर आए अर्शिता जी का ए आर आए नवीन जी का सो ए बी आर है सी बी आर डी बी आ रहा है इसके पार है सत्यम पांडे जी का ए आर आय जया जी का देखेगा भाई क्या बन रहा है स्किप बिल्कुल बिल्कुल देखो यार फाइल बोलते हैं नेल फाइल बोला जाता है इसको पूरा नाम और ये ये होता है आपके नेल्स को क्या करने के लिए जो आप, आपके नेल्स को बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सही शेप में लाने के लिए सेम बुड के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है वो आपका प्लेन किया जाता है प्लेन होता है जो टूल होता है प्लेन एक टूल होता है जिसकी सहायता से आपकी जो लकड़ी होती है उसको स्मूथ किया जाता है जिसकी सहायता से एक लकड़ी को क्या करते हैं स्मूथ करने का काम करते हैं सेम फाइल की सहायता से आपके नेल को स्मूथ करने का काम करते हैं बिल्कुल डी करेक्ट है शुभम जी क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ भाई क्लियर है आगे चलें कितनी देर क्लास चलेगी सर और थोड़ी देर तो और करिए अभी से थक गए पर पाँच और छः घंटे की क्लास कैसे कर पाओगे लगातार उस दिन तो डेटा पैक भी बढ़वा लेना जियो वाला हो तो इक्कीस रुपये का अतिरिक्त रिचार्ज करा लेना दो जी भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा और एयरटेल में भी मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी थर्ड का बी 17 करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देखो भाई क्या बन रहा है ग्लूकोमीटर आपका जो होता है वो क्या करता है आपका ब्लड शुगर को मेजर करने का काम करता है जब शुगर को मेजर किया जाता है उसको यूज करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है सेम आपका स्पाइगो मैनोमीटर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है वो आपका स्पाइगो जो मैनोमीटर होता है ये आपका ब्लड प्रेशर को नापने के लिए यूज की जाती है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ग्लाइकोमीटर से आपका ब्लड शुगर मेजर करते हैं <coughs> क्लियर है वाईफाई है तो बेहतर है पांच घंटे की क्लास जब होगी मैं पहले से आप लोगों को बता दूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल और अगर सारे लोग आने को तैयार होंगे देन मैं डेफिनेटली अगस्त में मैंने प्लान करने की सोच रहा हूँ देखता हूँ पंद्रह अगस्त वाले दिन करता हूँ या फिर उससे पहले करता हूँ एक दिन डिसाइड करेंगे क्लियर है आगे चलें। नेक्स्ट करिएगा एडिन का मोटिव कैसे होगा दोस्त हुँ? दूर नहीं है मैम एग्जाम भी आ जाएगा पता नहीं चलेगा Hmm. अभी तो निकला था एफकेट वन एफकेट टू की तैयारी और एफकेट टू का एग्जाम भी आने वाला है दूर कुछ नहीं है एफकेट वन को निकले हुए भी कोई बहुत दिन नहीं हो गए एफर्ट से आप मोटिव नहीं कह सकते दोस्त एफर्ट आपकी सक्सेस के लिए रिलेट किया जाता है मोटिव मान सकता हूं मैं आपका वर्ड जो आपको लेकिन जो सुटेबल आप लगाते हो एफर्ट्स किसके लिए लगाते हो एफर्ट्स करो सक्सेस मिलेगी ऑप्शन नंबर ए बी बहुत बढ़िया श्रवानिया जी ऑप्शन नंबर ए और बी देखो क्या बन रहा है माइटोकॉन्ट्रिया uh, जो आपका होता है वो एनर्जी के लिए आपका रिसोर्स होता है डीएनए uh, के लिए आपको जो यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है इनहेरिडेंस के लिए लगाया जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल इन विच रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर सेम डीएनए इज द यूनिट ऑफ इन हैरीटेंस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ए वाले सारे के सारे ठीक हैं हाँ बिल्कुल ठीक है ये जय राजपूत जी सचिन जी बिल्कुल ठीक है ये ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं क्लियर है ना आगे चलते हैं ट्वेंटी फाइव करिएगा ट्वेंटी फाइव करिएगा देखिए श्रेया जी ओपिनियन बेस्ड आप कभी भी कोई आंसर नहीं देंगी ओपिनियन बेस्ड आप कभी भी कोई आंसर नहीं देंगी आपको स्ट्रांग लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा हमेशा रीजनिंग के अंदर ओपिनियन बेस्ड आंसर नहीं दिए जाते रीजनिंग में आप स्ट्रांग लॉजिक के साथ जाएंगी बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए बी रहा है बी बी रहा है आयशा जी का बी है बाकी ए वाले भी काफी हैं नवीन जी का बी है सी है अंजलि जी का रितु जी का ए आर है सोनू जी का ए है रघुनंदन जी का बी है एल नीनो ब्रिजार्ड देखें भाई क्या बनेगा पता करा जाए फिनोमिना होता है एक ओके नो आइडिया 122 तो लोग देख रहे हैं 122 आंसर नहीं आ रहे मेरे को लग रहा है आ, डिजर्ट का मिराज देखो यार सिंपल सी चीज है कि मिराज इज द फिनोमिना ऑफ डिजर्ट सिमिलरली जो आपका अल नीनो है ना इज दॉ एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस ऑफ ओशियन वाटर्स ओशियन का जो आपका एक तरह से फिनोमिना को बोल सकते हो आप एल नीनो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है एल नीनो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओके 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 गरिमा जी ओके okay. वेल व्लॉर्ड हिल तो वैसे भी नहीं बनेगा बिल्कुल ठीक है एलिमिनेशन भी लगा सकते हो तो भैया टोटल आपने पच्चीस क्वेश्चन का डाले टोटल आपके जो नंबर हो गए वो सेवेंटी फाइव हो गए अब मेरे को ये बता दो कितने कितने आ रहे हैं हु? कितने कितने आ रहे हैं सही सही बताना मेरे को जल्दी से थर्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी प्लस वाले कितने हैं मैंने पोल भी डाल दिया इसलिए कि जो लोग मेरे को बताना ना चाह रहे हों फी एट बाई सेवेंटी फ़ाइव ओके सिक्सटी सिक्सटी वाले काफ़ी हैं सिक्सटी बाई सेवेंटी फाइव रिपोर्ट कार्ड ओके ऑल करेक्ट एक गलत हुआ था शुभम जी आपका hmm. एक रॉन्ग हुआ था ट्वेंटी करेक्ट टू रॉन्ग थ्री आई गॉट एट्टी नाइन लग ही आया आपका हाँ एटी नाइन कैसे आ जाएंगे मैम सेवेंटी फाइव था टोटल फोर्टी एट सिक्सटी सेवन थर्टी नाइन सेवनटी फाइव वाले कौन हैं भाई सेवनटी फाइव वाले जिसके ऑल करेक्ट गए हैं सेवनटी फाइव वाले कौन है भाई जिनका ऑल करेक्ट गया है ओके okay. चलिए बहुत अच्छी बात है जो भी नंबर्स आप लोगों ने लाए हैं और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस को आगे बढ़ाया जाए तो मैं जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि अगर आज एक सौ लोग होते हैं तो मैं मंडे से आपको नई सीरीज़ लेकर आ जाऊंगा क्लासिफिकेशन के 100 क्वेश्चंस की आप लोग इंटरेस्टेड हैं जैसा आप लोगों ने पोल में दिखाया था मेरे को नाइन्टी लोगों ने बोला था कि चाहिए तो डेफिनेटली मैं पहले इसको कवर करता हूं जैन बाकी के टॉपिक है उनको भी कवर करूंगा परेशान बिल्कुल मत होना जब मैं बोल रहा हूं मैं कराऊंगा तो मैं कराऊंगा और मैंने ऑलरेडी करा रखी है आप उन विडियो को भी देख सकते हो ठीक है तो प्रिपरेशन में लगे रहो लेकिन मैंने वही चीज बोली थी कि मेरी एनर्जी का सोर्स आप लोग हो अगर आप लोग क्लास करने को तैयार हो आज की क्लास करके आपको मजा बहुत आया होगा क्योंकि एक एनर्जी शो होती है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो वो मेरे को भी दिखनी चाहिए वो आपको भी दिखनी चाहिए तो मजा आएगा क्लास को करने में ओके okay, बाकी भाई आपका वीडियो को एक बार सारे के सारे लोग लाइक जरूर कर लें जितने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जिसने भी अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो दोस्त क्लास खत्म हो चुकी है अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अपने फोन अपने लैपटॉप पर चेक कर सकते हो और जिन्होंने शेयर ना किया हो, वो लोग शेयर कर देना अपने सारे दोस्त अपने सारे दोस्तियों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी क्लास आपकी मिस ना हो और मैं मंडे टू सैटरडे आप सभी के साथ रोज सुबह ग्यारह बजे जुड़ता हूं और कल मैं संडे को भी ग्यारह बजे जुड़ रहा हूं तो ग्यारह बजे मेरी क्लास होती है ग्यारह बजे आप सारे लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा मैं आपको बता दूं डिफेंस का अगर आप वहां पर आज खरीदोगे तो आपको बुक्स भी फ्री मिल रही हैं मेरे दोस्त तो बहुत अच्छा ऑफर है जहां मैं आपको पूरी चीजें इसमें दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है आपको अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर कैसे परचेज करना है मेरे को ये भी बता दो तो मैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ आज का सेशन जबरदस्त था चलिए भाई अ देखिएगा दोस्त आपको सिंपली क्या करना है आपको सिंपली जाना है गूगल पर आपको सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप कर देना है adda247.com जब आप गूगल पर पहुंचेंगे तो जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको बता देता हूं मैं एक बार पूरी कंप्लीट प्रोसेस आई थिंक यहां पे गूगल शो नहीं कर रहा मेरे को हुं? गूगल शो नहीं कर रहा चलिएगा तो दोस्त आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है अड्डा टू फोर सेवन वहां जब आप सर्च कर लेंगे जब आप सर्च कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा आपको ये महापैक दिख जाएगा जिस महापैक के अंदर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी सारे एग्जाम्स की लाइव क्लास होंगी सारे एग्जाम्स के वीडियो कोर्स होंगे सारे एग्जाम्स के य बुक्स होंगे और जब आप प्राइस देखोगे तो आठ हजार छह सौ निन्यानवे रुपये उसके प्राइस दिखाएगा आठ हजार छह सौ निन्यानवे रुपये उसकी कीमत दिखाएगा आपको क्या करना है आपको अड्डा टू फोर सेवन का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड वहां जाके अप्लाई कर देना है वाई टू सेवन फोर कोड है वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर इस कोड को आपको अप्लाई कर देना है और जैसे ही आप ये कोड लगाते हो वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर तो आपको मात्र दो हजार रुपए में मिलेगा तो ये सब तो मिलेगा ही साथ ही आपको हार्ड कॉपी बुक भी मिल रही है आज जो आपकी ऑलरेडी दो हजार रुपए के आसपास है मेरे दोस्त तो आपको वो भी मिल रही है तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह ग्यारह बजे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम में थैंक यू सो मच एवरी